हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्री कंसेंट के बारे में। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सीरीज़ की 9th वीडियो है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मीनिंग से शुरू करते हैं। कंसेंट देखते हैं कंसेंट क्या होता है। तो कंसेंट को सेक्शन 13 में डिफाइन किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि जब भी दो या दो से ज़्यादा पर्सन जो कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस को वो उसी सेंस में समझ रहे हैं जिस सेंस में उसे बताया जा रहा है। अब यहाँ पे दो पार्टीज़ के बीच में या दो से ज़्यादा पार्टीज़ के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ए जैसे समझाना चाहता है या जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो उन्हें सेम थिंग्स को इन दोनों को समझाना है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ए एग्री हो गया कि वो बी को अपनी कार बेचेगा। ए जो है 3 कार्स का ओनर है। अब यहाँ पे बी ने सोचा कि वो अपनी उसे होंडा बेचेगा लेकिन ए उसे अपनी मारुति सेल करने वाला है। तो यहाँ पे क्या है, ए और बी जो दोनों कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो रहे थे वो दोनों सेम थिंग या सेम सेंस पर लाई नहीं करती थी। उन ए ने समझा कि मैं मारुति बेचूंगा, बी ने समझा कि मैं होंडा खरीदूंगा। तो यहाँ पे क्या था, जो सेंस थी दोनों की वो चेंज होगी। जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो जो टर्म्स एंड कंडीशन में एंटर होना चाहते थे उस टर्म एंड कंडीशन में वो एंटर नहीं हुए। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि फ्री कंसेंट क्या होता है। इसे सेक्शन 13 में डिफाइन किया गया है कि एक ऐसा कंसेंट जो कि फ्री हो जिसमें ये 5 चीजें ना हो। पहला है कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। ये 5 चीज़ें किसी भी एग्रीमेंट के अंदर या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर ये 5 चीज़ें उसके अंदर हैं तो इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट के अंदर एप्लीकेबल नहीं होता है। सबसे पहला है हमारा कोर्जन। तो कोर्जन का मतलब होता है कि यूजिंग फोर्स टू कंपेल अ पर्सन, कि हम फोर्स कर रहे हैं किसी पर्सन को एक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे सेक्शन 15 में से डिफाइन किया गया है कि कमिट करना या थ्रेट करना, मतलब कि किसी पर्सन को डराना है ताकि वो कमिट करे कोई भी एक्ट जो कि फॉरबिडन बाय लॉ है, कि मतलब वो कोई भी ऐसी एक्टिविटी करे जो कि कानून का उल्लंघन करती है। इस तरह से हमें उसे डराना है। सेकंड है अनलॉफुल डिटेनिंग एंड थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी। अब हमें डरा के उसकी प्रॉपर्टी जो है अनलॉफुल तरीके से अपने हक में करनी है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी कोई एक लैंड नहीं स्पेसिफिक, यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी आपकी सारी गुड्स होगी। आपका हाउस हो गया, आपकी बाइक, कार, ज्वेलरीज, ये सब आपकी जो है प्रॉपर्टी आती है। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। ए ने बी को डरा धमका के कह दिया कि वो अपना घर उसे 5 लाख रुपए में सेल कर दे। तो अगर बी ए को अपना घर बेच देता है तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। सेकेंड है हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस को सेक्शन 13 में डिफाइन किया गया है कि जब कोई दो पार्टीज में से कोई एक पार्टी जो दूसरे पार्टी को डोमिनेट करती है, डोमिनेट करना मतलब कि उस पर हावी हो रही है। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस जो होता है वो दो तरीकों से होता है। सबसे पहला कि जब एक पर्सन के पास रियल अथॉरिटी आ जाती है दूसरे पर्सन की। अब ए जो है वो 18 साल का नहीं हुआ है अभी तक, तो बी को है उसका गार्ड बना दिया है। तो यहाँ पे क्या है, बी के पास पावर्स आ गई सारी ए की। अब यहाँ पे प्रिंसिपल ए है, प्रिंसिपल ने अपना एजेंट अपॉइंट किया है बी, तो यहाँ पे पावर्स किसकी आ गई, बी की आ गई। अब बी कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर सकता है जिससे वो दूसरे पर्सन को डोमिनेट कर सके, या फिर बी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं हम उस पर्सन के साथ जिसकी मेंटल कैपेसिटी सही नहीं है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ए ने अपनी घड़ी 500 रुपये में अपने टीचर बी को दे दी क्योंकि बी ने उससे कहा था कि अगर तुम अपनी घड़ी ये मुझे दे दोगे तो मैं तुमको अच्छे मार्क्स दूंगी। अब यहाँ पे क्या था, डोमिनेंस किया ए को, क्योंकि अब यहाँ पे बच्चा क्या सोचेगा कि अगर मैं अपनी घड़ी दे देता हूँ उसे 500 रुपये में तो मुझे अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो ए का कंसेंट है वो फ्रीली गिवन नहीं था, उस पर प्रेशर था। क्या, किसका, मार्क्स का। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वैलिड नहीं माना जाएगा। थर्ड है फ्रॉड। फ्रॉड्स का मतलब होता है डिसीट बाय वन ऑफ द पार्टीज, कि मतलब कोई एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी को धोखा दे रही है जबकि उसे पता है कि ये जो मैं इन्फॉर्मेशन इसे दे रहा हूँ ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। ये फ्रॉड जो है 3 तरीकों से हो सकता है। उससे पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं।
इन पॉइंट्स को अच्छे से समझने के लिए, ए ने एक हॉर्स जो है खरीदा बी से। बी ने क्लेम किया कि वो इस हॉर्स को खेती के लिए यूज़ कर सकता है, लेकिन बाद में ए को पता लगता है कि वो जो घोड़ा है वो तो लंगड़ा है। अब ए जो है उस घोड़े को यूज़ नहीं कर सकता फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या, बी को इस चीज़ की नॉलेज थी कि वो जो हॉर्स है वो लंगड़ा है, फिर भी बी ने उसे वो हॉर्स दिया, तो यहाँ पे बी ने ए के साथ फ्रॉड किया। अब यहाँ पे हम कंडीशंस देखते हैं। सुजेस्टिंग अ फैक्ट दैट इज़ नॉट ट्रू, ही डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। अब घोड़ा जो है वो लंगड़ा था, वो उसने ए बी ने ए को बताया नहीं, तो एक ऐसा फैक्ट बताना जो कि सही नहीं है, एक ऐसा फैक्ट बताना जैसे कि उसने कह दिया कि तुम इसे अपनी फार्मिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, तो जो कि सही नहीं था, वो फार्मिंग के लिए तो वो यूज़ हो ही नहीं सकता था। एक्टिव कंसीलमेंट्स ऑफ फैक्ट, अब फैक्ट क्या था यहाँ पे, घोड़ा था लंगड़ा, ये उसने उसे बताया ही नहीं। सी देखते हैं, अ प्रोमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। यहाँ पे मतलब ये है कि हमने प्रोमिस कर दिया कि मैं ये एक्टिविटी परफॉर्म करूँगा, लेकिन मेरी इंटेंशन नहीं है उसे परफॉर्म करने के लिए। अब मान लीजिए बी ने जब ए को ये घोड़ा बेचा था, तब उसने साथ साथ में ये भी बोल दिया कि अगर घोड़े को कुछ होता है या फिर कल को उसे इंजरी होती है, तो मैं उसे जो भी खर्चा रहेगा उसकी मेडिकल पे वो सारा मैं करूँगा। अब यहाँ पे उसकी इंटेंशन तो है ही नहीं यहाँ पे उसका किसी भी तरह का को खर्चा करने का, तो यहाँ पे क्या हो गया, फ्रॉड हो गया। फोर्थ है हमारा मिस रिप्रेजेंटेशन। सो मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है जब कोई एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन को या फिर इन्फॉर्मेशन को फॉल्स बताती है, इनकोरेक्ट बताती है या इनएक्यूरेट बताती है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है एक फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में, जो मिस रिप्रेजेंटेशन होती है वो इनोसेंट होती है, ना कि इंटेंशनली होती है। ये मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। अब यहाँ पे ए है, द पर्सन मेक अ पॉजिटिव बिलीविंग इट टू बी ट्रू। अब जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो ये सोच रहा है कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैं इसे दे रहा हूँ वो सही है, वो गलत नहीं है। सेकेंड है, जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है वो यही सोच रही है कि जो वो मिस्टेक कर रही है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे जो एक्ट हो रहा है, एक्टिविटी हो रही है, इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, वो इनोसेंटली हो रही है, ना कि इंटेंशनली। अब इनोसेंटली और इंटेंशनली में क्या है ये देखते हैं। अब जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी घोड़े की, यहाँ पे ए है, बी है और सी पार्टी है। अब यहाँ पे तीन पार्टीज हैं मान लीजिए, और ए जो है उस घोड़े का मालिक है, बी एक ब्रोकर है जो कह रहा है कि मैं ये घोड़ा बिकवा दूंगा। अब ए को तो पता है कि घोड़ा लंगड़ा है, लेकिन बी को नहीं पता है कि वो घोड़ा लंगड़ा है। बी ने क्या किया, सी से कॉन्टैक्ट किया जिसे ज़रूरत थी घोड़े की। अब बी को यहाँ सी ने वो हॉर्स बेच दिया। अब बी को तो नहीं पता था कि घोड़ा लंगड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, मिस रिप्रेजेंटेशन, कि वो मिस रिप्रेजेंटेशन इनोसेंटली थी, उसे पता नहीं था, ना कि इंटेंशनली, ना कि उसने कोई जानबूझ के ये एक्टिविटी परफॉर्म की। फिफ्थ है हमारा मिस्टेक। ये मिस्टेक को सेक्शन 20 में डिफाइन किया गया है। मिस्टेक का मतलब होता है कि जहाँ पे जो दोनों पार्टीज हैं जो इसेंशियल एग्रीमेंट्स के वो नहीं है, कि मान लीजिए जो हमारा एग्रीमेंट होगा वो 18 साल के ऊपर वाले से होगा, पर्सन साउंड माइंड का होना चाहिए, कोई कंसिडरेशन ज़रूर होना चाहिए। अगर ऐसे किसी चीज़ की मिस्टेक है वहाँ पे, तो उसे हम एब्सेंस है किसी चीज़ की वहाँ पे, जो भी हमारे इसेंशियल्स होते हैं एग्रीमेंट के, उसे हम कहते हैं मिस्टेक। अब मिस्टेक जो होती है वो बायलेटरल मिस्टेक भी हो सकती है, जहाँ पे दोनों पार्टीज जो हैं एग्रीमेंट के अंदर एंटर हो रही हैं उन दोनों की वहाँ मिस्टेक होगी हो। अब मान लीजिए यहाँ पे ए बी पार्टीज़ हैं वो एग्रीमेंट के अंदर एंटर होने लगी हैं, ए ने बी को कह दिया कि मैं तुम्हें अपना घर बेचूंगा। अब बी ने डन कर दिया कि मैं तुम्हारा घर खरीदूंगा, उसके बदले मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था तब उन्हें पता ही नहीं था, ना ए को ना बी को, कि ए का जो घर है वो जल चुका है। तो यहाँ पे क्या था, दोनों को उस चीज़ के बारे में पता नहीं था, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मिस्टेक हो गई, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। सो थैंक यू दोस्तों, आई होप कि काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा वीडियो आपके लिए। किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा। इसी तरह की वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।